નમસ્તે પેન્શનરશ્રીઓ, આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે પેન્શનરો માટે મે જૂન મહિનો એટલે બેંક કે ટ્રેઝરીમાં જઈને હયાતીની ખરાઈ કરવાનો સમય. પરંતુ હાલના સમયે કોવિડ-19ની ઘાતક પરિસ્થિતિમાં સરકાર સિનિયર સિટીઝનો કે નગરજનોને ઘરની બહાર ન નીકળવાની સલાહ આપે છે. આવા સમયે પેન્શનરોએ હયાતીની ખરાઈ કરવા માટે ઘરની બહાર નીકળી બેંકો કે ઓફિસોમાં લાઇનમાં ઊભા ન રહેતા ઘરે બેઠા બેઠા ઓનલાઈન હયાતીની ખરાઈ કરવા માટે ગુજરાત સરકારે 29/5/17 ઠરાવ અનુસાર જોગવાઈ કરેલ છે. હું આપ સૌ વડીલોને વંદનપૂર્વક જણાવવા માંગુ છું કે આપ સૌ આ વિડીયોમાં દર્શાવ્યા મુજબ ઓનલાઈન હયાતીનો વધુમાં વધુ લાભ લઈ ઘરે બેઠા બેઠા ઓનલાઈન હયાતી કરી આખું વર્ષ પેન્શન ચાલુ રાખો. ઘરમાં રહો, સુરક્ષિત રહો. કમલ, તેરી પ્લાનિંગ તો કોલેજ કે દિનો સે કમાલ કી હૈ. હા બિલકુલ, યે નયે જમાને કા નામ રીયુનિયન દેખે તુમને હમ સબકો લખનૌ મે બુલા લિયા. અરે ભાઈ, વો ઇસલિયે ક્યુંકિ હમ ભૂતપૂર્વ નૌજવાનો ને તો જીવન કો યારો કે સંગ જીના છોડ જો દિયા હૈ. અરે હમ તો 1400 કિલોમીટર દૂર આપકે બુલાને પર આ ગયે ઓર આપ હી કે શહેર કે રમેશ જી તો આઈ. હા વો કા રમેશ, તો એસે હી થોડી કોલેજ કે દિનો મે ઉસકા નામ કછુઆ ચાલ થા. સહી કા, સહી સહી એકદમ. અરે લગતા રમેશ આ ગયા. હાજર હાજર હઝુર આલા, નામ લિયા ઓર આપ હાજર. તો જનાબ, ઇસ બાર લેટ આને કા ક્યા બહાના હૈ? અરે ભાઈ, દુઆ ના સલામ આતી શરૂ હો ગયા યાર. અરે વાહ વાહ વાહ, એક તો દેર ઉપર સે સવા શેર. અચ્છા બતાઓ, કહાં ટાઈમ બરબાદ કરકે આ રહે હો તુમ? હે, લાઈફ સર્ટિફિકેટ દેને બેંક ગયા થા તાકી પેન્શન લગાતાર ચલતી રહે, લેકિન વહાં તો બહોત લાઈન થી, મેં તો બિના કામ કે વાપિસ આ ગયા. યે દેખો ઇને, યહાં મેં બેઠે બેઠે લાઈફ સર્ટિફિકેટ દે દેતા હું, ઓર યે જનાબ અભી ભી લાઈનો મેં લગ કે અપની લાઈફ લાઈન ખતમ કર રહે હૈ. અરે આપ સબ ભી, રમેશ જી, લાઈફ સર્ટિફિકેટ કે લીએ બેંક મેં જાને કી એકદમ જરૂરત નહીં હૈ. ડિજિટલ લાઈફ સર્ટિફિકેટ ઘર બેઠે હી બન જાતા હૈ. ડિજિટલ ઇન્ડિયા કી મુહિમ કે તહત લાખો પેન્શનધારી ડિજિટલ લાઈફ સર્ટિફિકેટ જમા કરા ચુકે હૈ. તો બસ કુછ કછુઆ ચાલ લોગ હી પીછે રહ ગયે હૈ. તો ખરગોશ ભાઈઓ, અભી ઇસ વક્ત મેરા ડિજિટલ લાઈફ સર્ટિફિકેટ સબમિટ કરકે દિખાઓ. ડિજિટલ લાઈફ સર્ટિફિકેટ કે લીએ 3 આસાન ચરણ બહુત હી ધ્યાનપૂર્વક ફોલો કરને હોંગે. ઉસકે લીએ યહ વિડિયો અંત તક જરૂર દેખે. जिसके लिए ये जरूरी है कि पेंशन बैंक अकाउंट आधार के साथ लिंक हो, पर ये जरूरी नहीं है कि मोबाइल का नंबर आधार से लिंक हो. यस इंदु, यू आर एब्सोल्युटली राइट. वो तो बेटे ने कर दिया था. वेरी गुड रमेश. अब इसके बाद कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर जीवन प्रमाण सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं. यहाँ चेन्नई में बेटी की सोसाइटी में ये टैबलेट खरीदा हुआ है. सोसाइटी के सारे पेंशनर इसी में अपना डीएलसी करवा लेते हैं. आप अपने स्मार्टफोन से डीएलसी कैसे कर सकते हैं, यह हम अब आपको दिखाएंगे. तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा. सबसे पहले क्या है, इंटरनेट ब्राउजर पर जाकर jeevanpraman.gov.in टाइप करना है. उसके बाद ये देखो, जीवन प्रमाण की वेबसाइट खुल गई. अब इसके बाद ये डाउनलोड वाले को दबाओ, यहाँ पे ईमेल आईडी टाइप करो और ये आई एग्री वाला लिखा हुआ जो, इसको क्लिक करो. अब देखो, ये आपके आगे जीवन प्रमाण ऐप. अब ऐप को डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है. उसके बाद आरडी सर्विस डाउनलोड करनी है जिससे वो बायोमेट्रिक कनेक्ट होती है. फिंगरप्रिंट के लिए ऑथेंटिक बायोमेट्रिक डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है जो मोबाइल से ओटीजी केबल से कनेक्ट होती है. यह आपको किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट से भी मिल जाती है, लेकिन यह डिवाइस खरीदने से पहले जीवन प्रमाण द्वारा दी गई ऑथेंटिक लिस्ट हमारे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वह चेक कर लीजिए और वही डिवाइस खरीदे. इसके बाद शुरू होती है जी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, जो लाइफ में एक बार करनी होती है बस, जिसको आपका कोई रिश्तेदार या दोस्त भी कर सकता है. इसमें ऑपरेटर को
अपने आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी टाइप करना होता है। वो फ़ोन नंबर जो है आधार से लिंक नहीं है तो भी चलेगा। उसके बाद आपके ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर पे ओटीपी आएगा। अच्छा, हाँ, ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद यूज़र नेम की स्क्रीन आएगी जिसमें ऑपरेटर को अपना नाम लिखना होता है और उसके बाद ऑपरेटर को अपना अंगूठा या आईरिस स्कैन करना पड़ेगा। प्रक्रिया खत्म हो गई आपकी डीएलसी की। आगे की कहानी अब सुनिए जी कमल जी की जुबानी। और अब होती है कहानी में हीरो की एंट्री, यानी कि तुम्हारी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे सभी अपडेट्स आप सबको मिलते रहे। अब तुम्हें यानी कि पेंशनर को अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर टाइप करना होता है। चाहो तो ईमेल आईडी टाइप कर सकते हो जिससे ओटीपी फोन और ईमेल आईडी दोनों पर आएगा। ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद एक फॉर्म आएगा जिसमें आप बैंक का नाम, पेंशन अकाउंट नंबर, पीपीओ नंबर इत्यादि टाइप कर सकते हैं। अब बटन पर क्लिक करते ही बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए डिवाइस एक्टिवेट हो जाती है। अब तुम इस पर अपना अंगूठा लगाओ। इतने ताम झाम के बाद ना अंगूठा स्कैन हो रहा है ना उंगली। रहने दो, मैं तो बैंक से करा लूंगा। अरे रमेश बाबू, कभी कभी हाथों में नमी ना होने का कारण भी ऐसा होता है। हाँ। ये लो क्रीम लगाओ, आप ट्राई करो, देखो हो गया ना। ये, हो गया। सिंपल। और हाँ, इस टेबलेट में आंखों को स्कैन करके भी सर्टिफिकेट बन जाता है। तुम तो जानते ही हो मेरा कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ था, फिर भी आयरिस स्कैन हो गई। अरे वाह, जो आ गया जीवन प्रमाण की तरफ से मैसेज, दो खुद ही पढ़ लो। आपका रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक हो गया है। अरे वाह, ये तो हो गया।